गुरुदेव वशिष्ठ ने पूछा, सूत जी महाराज ने सोनकशियों को पूछा, आप कुछ नदियों के बारे में बता दें जिससे व्यक्ति मुक्त हो जाए और स्वस्थ जीवन जी सके, आप कृपा करके बता दें। तो सबसे पहले जो वर्णन किया है अग्निर्वाच, भगवान अग्नि देवता ने कहा कि नर्मदाधिक महात्म्यम भक्षेयम नर्मदा पराम सद्य पुनाति गंगेयम दर्शना द्वारि नर्मदम। स्पष्ट लिखा है मात गंगा के स्नान करने से जितना पुण्य मिलता है, दर्शनम नर्मदा देवी, नर्मदा माँ का सर्व दर्शन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। और ये तो आप नर्मदा पुराण पूरा 10 दिन सुन चुके हैं, 9 या 10 दिन आपने नर्मदा पुराण सुना है। अग्नि पुराण में भी माँ नर्मदा की महिमा का वर्णन किया, नर्मदा अधिक महात्म्यम, यही माँ नर्मदा की महिमा है कि गंगा स्नान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, नर्मदा माँ का सर्व दर्शन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण धरती की सात बार परिक्रमा करने पर, संपूर्ण धरती की 7 बार परिक्रमा करने पर जितना पुण्य प्राप्त होता है, मां नर्मदा की 1 परिक्रमा करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी मां नर्मदा है। नर्मदा षष्ठ तीर्थ सहस्राणी षष्ठ कोटियास तथा लिखाए 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ माता नर्मदा के किनारे पर बसे हुए। 3200 किलोमीटर की परिक्रमा है मां नर्मदा की। उसका वर्णन अग्नि पुराण में लिखा है, इस मां के किनारे पर 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ इसकी परिक्रमा में, 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ, जहां कावेरी के साथ में मां नर्मदा का संगम है। संपूर्ण धरती के तीर्थ वर्ष में 1 बार इस संगम में गोता लगाने के लिए आते हैं, ऐसा अग्नि पुराण के अंतर्गत लिखा है। मां नर्मदा के प्रति आप अपनी श्रद्धा रखिए। मां नर्मदा से निकले हुए शिवलिंग मरणम शिवलोकार्था सर्वदम तीर्थमुत्तमम। जिनके घर में नर्मदेश्वर भगवान की पूजा होती है भैया, उन लोगों को तो तीर्थ में रहने का सौभाग्य मिलता ही है, लेकिन मृत्यु के तत्पश्चात उनकी मौत बिगड़ती नहीं, शिव लोकाय, वो भगवान शंकर के लोक में पहुंचता हुआ जीव अपने अपने इष्ट के धाम के लिए चला जाता है। ये भगवान नर्मदेश्वर की आराधना और पूजा की महिमा है। आप किसी भी देवी देवता के पुजारी क्यों नहीं है, महादेव के पुजारी जरूर बनिए। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसा कोई उपनिषद नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई इतिहास पुराण नहीं है जिसमें भगवान शंकर की महिमा का गायन न किया गया हो। तो नर्मदा माँ का हर कंकड़ और अपने आप में है शंकर। बड़ी सुंदर सी महिमा का वर्णन किया गया, मरणम शिव लोकाय सर्वदम तीर्थमुत्तमम। भगवान नर्मदेश्वर की पूजा करने वाले लोग जिंदगी जी तो तीर्थ जैसा आनंद प्राप्त करते हैं, वो मरने के तत्पश्चात वो शिवलोक होते हुए अपने इष्ट के धाम के लिए चले जाते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का अपराध नहीं रहता। तपस्तप्तां बलिं चा भूनमयी सिद्धमाप्नुयत। जो लोग नर्मदा नदी के किनारे पर, सिरा दे, जो लोग नर्मदा नदी के किनारे पर अनुष्ठान करते हैं उनके अनुष्ठान सिद्ध हो जाते हैं। ये माँ नर्मदा की महिमा की वर्णता अग्नि देवता ने कही। अब उसके तत्पश्चात बड़ा संक्षेप में कहना पड़ रहा है, नहीं तो अभी 10 दिन और लग जाए। एक एक पुराण के लिए एक एक महीना चाहिए तो भी कथाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, लेकिन उतना संभव हो नहीं पाता है टाइम। अब ये कथाएं करनी है, अभी भी मुझे तो मैं यही आंकड़ा नहीं लगा पा रहा हूँ कि 18 पुराण होंगे कब तक। जब तक होंगे तब तक लेते रहो आनंद, होते हो ही जाएंगे, चलते रहेंगे तो एक दिन स्टेशन जरूर मिल ही जाएगा। गाड़ी खड़ी रह जाएगी प्लेटफार्म के पीछे तो बड़ा बोर होते हैं, और भले ही वो कम रफ्तार में चलती है, वो चलती रहती है तो मन तो लगता ही है, और जब वो कहीं खड़ी रह जाए, जाम में खड़े रह जाइए तो आफत सी आती है, इतनी दिक्कत परेशानी होती है। बस भगवान कृपा करे कि इन पुराणों में कहीं जाम ना लगे, बस ये चलती रहे, प्रभाव बहता रहे। आइए वाराणसी के बारे में पूछा गया है गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा, का वाराणसी के बारे में कुछ बताएं। तो वाराणसी परम तीर्थम गौर्यै प्राय महेश्वर। वाराणसी एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पार्वती और माता शिवानी भवानी आज भी है वहाँ। अपने इष्ट का रोजाना वो जप करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, रोजाना गंगा स्नान करते हैं,
अन्नपूर्णा माँ से रोजाना भिक्षा मांगते हैं। भगवान शंकर पहले थे वाराणसी में, आज हैं और कल भी रहेंगे। कृष्ण वृंदावन छोड़ के नहीं कहीं जा सकते, और भगवान भोलेनाथ वाराणसी काशी को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। काशी में किसी की अकाल मृत्यु भी होती है तो वो नरक नहीं जाता, उसको भी सदगति मिलती है। अस्मना चरणौ हत्वा अवशित काशी नहीं त्यजेत हरिश्चंद्रम परम गुह्यम गुहि माता त्वकेश्वरः। भैया हरिश्चंद्र ने अपनी जिंदगी की समस्या का समाधान काशी में प्राप्त किया। जपेश्वरम परम गुह्यम गुह्यम श्री पर्वतम तथा महालयम परम गुह्यम भूमि चंडेश्वरम तथा, ये इन श्लोकों में वहाँ के जो तीर्थ हैं, मठ मंदिर हैं, उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। अन्य स्नानम जपो होमो मरणम देव पूजनम श्राद्धम दानम निवासस्व यदास्वस्थास्तभुक्तिकम। काशी की धरती पर यदि किसी ने जप किया, हवन किया और मौत को प्राप्त हुआ, देव पूजन किया, भैया वह अपने आप में जीव मुक्त हो गया। वाराणसी की महिमा ऐसी है, अद्भुत शब्दों में जिसको पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसी महिमा श्री काशी की है। मानवीय जीवन मिला है तो जिंदगी में एक बार आप काशी के लिए आप जरूर जाइए। बात समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत आ रही है तो गर्दन हलाओ, जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय जय। तो समझ में नहीं आ रही होगी तो आरती करा देंगे, आपको जबरदस्ती से बिल्कुल नहीं बिठाएंगे। तो ये काशी की महिमा है, और 10 मिनट हमें दे दीजिएगा। उसके तत्पश्चात सिर्फ प्रयागराज की महिमा का वर्णन किया है, वो भी बड़ी अद्भुत महिमा। वक्षे प्रयाग महात्म्यम भुक्ति मुक्ति प्रदम ब्रह्म प्रयागे ब्रह्म विष्णुद्धा देवा मुनिवरास्तता। श्री प्रयाग तीर्थ ऐसा है जहाँ विधाता ब्रह्मा और भगवान नारायण और स्वयं भगवान शंकर एक जगह पर, लिख सकें तो लिख लीजिएगा, कोई वेणी माधव नाम की जगह है प्रयाग में, वो साक्षात भगवान विष्णु ही वेणी माधव के रूप में है। झूसी नाम की जगह है प्रयाग में, इस ग्रंथ में लिखा है स्वयं विधाता ब्रह्मा ही झूसी के रूप में है। कोई बट वृक्ष है श्री प्रयाग में, स्वयं भगवान महादेव ही बट वृक्ष के रूप में है, ऐसा अग्नि पुराण अंतर्गत वर्णन किया। इसमें अग्नि देवता कहते हैं कि जिसने वेणी माधव के दर्शन कर लिए, साक्षात भगवान नारायण के दर्शन कर लिए, जिसने झूसी क्षेत्र का दर्शन कर लिया, या आज भी विधाता ब्रह्मा यज्ञ कर रहे हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं होता जहाँ विधाता ब्रह्मा यहाँ यज्ञ ना करते हों, इसलिए इसका नाम है प्रयाग। प्रयाग का अर्थ होता है प्रक्षेणा याग्यादि सह प्रयाग, जहाँ अनवरत निरंतर यज्ञ चल ही रहा है, आज तक यज्ञ बंद ही नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम है प्रयाग। झूसी में जाकर पहुंचकर आपने झूसी स्थान का दर्शन कर लिया, साक्षात विधाता ब्रह्मा का दर्शन करके आ गए। तीसरे शब्दों में लिखा है, यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है वटवृक्ष, और भैया जिसने इस दिव्य सिद्ध वट का दर्शन कर लिया, उसने साक्षात भगवान महादेव का दर्शन कर लिया। ये तीनों देवता श्री प्रयाग में इस रूप में विराजित हैं, एक है वेणी माधव, दूसरी है झूसी, और तीसरा है सिद्ध वट के नाम से जिनको जाना जाता है। ये तीनों जगह महाराज अति दुर्लभ है, ऐसा वर्णन किया। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की लिखा है कि प्रयागे संगमे दानम श्राद्धम जप्यादि अक्षयम। प्रयाग में संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, उसको त्रिवेणी कहते हैं, इसका नाम त्रिवेणी है। त्रिवेणी क्यों है? क्योंकि सरस्वती की धारा यहाँ दिखाई नहीं देती। आपने देखी है क्या? नहीं देखती, मैंने तो नहीं देखी, आपने भले ही देख ली हो। इसका नाम है त्रिवेणी। त्रिवेणी का अर्थ सीधा निकाला जाए तो तीन चोटी। इस स्थान को त्रिवेणी क्यों कहा? त्रिवेणी इसलिए कहा कि माताएं अपनी चोटी गूंथें तो पहले हाथ में लड़ तीन होती हैं। अब आपने तो कभी गूंथी नहीं होगी, दादियों को पता होगा, जब वो अपनी चुटिया चोटी गूंथें तो शुरू में हाथ में लड़ तीन होती हैं, और जब चोटी पूरी की पूरी गुथ जाए तो गुथी हुई सिर्फ दो ही दिखती हैं, एक पता नहीं कहाँ छिप जाती है। जैसे तीन चोटी में एक छिप जाती है, एक दिखती नहीं, दो ही दिखाई देती हैं, गंगा यमुना के बीच में माँ सरस्वती ऐसे ही छिप गई है, दिखती नहीं, इसलिए इसका नाम त्रिवेणी है। ताली जोड़ते बजाओ, नहीं मत बजाओ, हाँ कोई जबर ही ना है, जबरदस्ती हो ऐसा कुछ भी नहीं। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे प्रयाग के लिए कहा, प्रयागे संगमे दानम श्राद्धम जप्याद अक्षयम। प्रयाग में संगम के तट पर किया गया जो भी सत्कर्म है
वो अपने आप में अक्षय हो जाता है, पुण्य समाप्त नहीं होते, समझ लो। प्रयागे मांग मां से तो एव मां और मनीषया, आप कमाल हो गया। लिखा है कि प्रयाग में एक महीना माघ के महीने में प्रयाग में रहने से जो पुण्य प्राप्त होता है, एक अग्नि पुराण की कथा सुनने से वो सौभाग्य फल प्राप्त हो जाता है। वो भी आज समापन के समय पर आप सुन रहे हैं इस कथा को, आप बहुत बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। परमात्मा का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। बटमूले संगमादौ मृतो विष्णु पुरीं व्रजेत उर्वशी पुलिनं रम्यं तीर्थं संध्यावटस्तदा कोटतीर्थं च सुमेधं गंगायामनमुत्तमं मानसं रजसाहीनं तीर्थं बासरकंबरं। हमारा एक निवेदन और सुन लीजिए। इसमें लिखा है किसी पूर्वज का, किसी पुरखे का शरीर छूटा है, उसकी हड्डियां यदि प्रयाग में गंगा जी में समर्पित कर दी जाए तो 1 करोड़ तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए एक बच्चे की जरूरत पड़ती है, अस्थियां विसर्जन के लिए प्रयाग का चुनाव किया जाए। इसमें श्री प्रयाग की महिमा का वर्णन किया गया है।